भारत दुनिया की तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 4 साल में मोदी सरकार द्वारा किए गए बड़े आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार पर लगाम और व्यापार नियमों का सरलीकरण ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दी है। भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया भर में मोदी नीतियों की तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष हमेशा इसके उलट राग गाता रहा है। अपनी राजनीतिक तीर साधने के लिए विपक्ष बार बार मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन देश और दुनिया के कारोबारी विपक्ष के इस आरोप से अलग राय रखते हैं। इतना छलांग हमने मारा है रैंकिंग्स में, मेरे ख्याल से किसी ने देखा नहीं है पिछले 10 दशक में कि ऐसे कोई भी देश ने ऐसा एक छलांग मारा है। अल्टीमेटली बिजनेस में भी हम देखते हैं कि लीडरशिप मेक्स अ डिफरेंस। 4.5 साल में बहुत काफ़ी तरक्की हो गई है, क्योंकि रैंकिंग के इम्प्रूवमेंट से बिल्कुल जाहिर होती है कि कहाँ हम 140-142 थे, अब 77 नंबर पे आ गए हैं। और इतने रिफॉर्म्स और हो गए हैं कि मैं समझता हूँ कि अगले सालों में इंडस्ट्रीज़ को हिंदुस्तान में काम करने में बहुत ही सहूलियत होगी। वहीं अब देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर और भारत के वॉरेन बफे के नाम से मशहूर राकेश झुंझुनवाला ने पीएम मोदी की तारीफ में ये बातें कही है। Having said that, Nikunj, see, India is greater than personalities. Let me tell you, I would very much like Mr. Modi to be the Prime Minister of this country again. I am a BJP supporter and I will remain one. But the question is, you know, if some other government comes, it's not going to be the end of the deal. देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे के नाम से मशहूर राकेश झुंझुनवाला ने कहा है कि देश के लिए 2019 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा लौटना चाहिए। झुंझुनवाला का मानना है कि मौजूदा वक्त में भारत की जो विकास दर है, इसमें और भी तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। झुंझुनवाला ने आगे कहा कि भारत की ग्रोथ के जो फैक्टर्स हैं, वो रिजर्व नहीं रह सकते, इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का लौटना बहुत महत्वपूर्ण है।